all are doing well and stay safe at your home. So today we will read our remaining chapter 7, Fish of Sindbad. Okay, so now next page number 50. I am sure that what you most desire is to go back to the सी, है ना। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम वापस समुद्र में जाना चाहते हो, तुम्हारी तीव्र इच्छा है समुद्र में वापस जाने की। आई विल हेल्प यू टू अचीव योर विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूँगा। बट नो यू मस्ट टेक सम रेस्ट, बट पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। आई ही अरेंज्ड फॉर अ वेरी कम्फर्टेबल स्टे फॉर सिंधवाद इन हिज पैलेस, उन्होंने कहा कि मेरे महल में आपके लिए आरामदायक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट डे द महाराजा हिमसेल्फ अकंपनीड सिंधबाद टू द हार्बोर, अगले दिन महाराजा खुद सिंधबाद के साथ बंदरगाह पर जाते हैं। हार्बोर मीन्स बंदरगाह। ओके, ही इंट्रोड्यूस सिंधबाद टू द स्किपर ऑफ अ बिग सिप, उन्होंने सिंधबाद को सबसे बड़े जहाज के कप्तान से मिलवाया। नेक्स्ट है द स्किपर एग्री टू टेक सिंधबाद टू हिज कंट्री, जो स्किपर था, जो वह कैप्टन था जहाज का, वह सिंधबाद को अपने देश ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही सेड सिंधबाद कैन सेल विथ मी ऑन ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि सिंधबाद, वह कहे कि सिंधबाद मैं तुम्हें अपने साथ समुद्र की इस यात्रा के लिए ले जाने के लिए तैयार हूँ। आई कैन प्रोमिस दैट मी न्यू एडवेंचर्स अवेट द ग्रेट सेलर, मैं प्रोमिस कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए नए आविष्कार और नए एडवेंचर्स जो हैं वह तुम्हारा वेट कर रहे हैं एक महान नाविक की तरह। After taking leave of the Maharaja and thanking him for all his kindness, Sindbad embark means क्या होता है, to get into a skip on new adventures. उसके बाद महाराजा से विदा लेते हुए सिंधबाद ने अपनी दयालुता उनके सामने और प्रकट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि समुद्र में आपकी यात्रा मंगलमय हो और आगे के आपके द्वार खुले रहें नए नए एडवेंचर्स करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वोकैबुलरी, सम डिफिकल्ट वर्ड जो आपके चैप्टर में आए हुए हैं। ओके, फर्स्ट है ओप्लुएंस, ओ पी यू एल ई एन सी ई, ओप्लुएंस मीन्स होता है रिच, ओके, धनवान। नेक्स्ट है एक्सप्लोर, ई एक्स पी एल ओ आर ई, एक्सप्लोर मीन्स टू ट्रेवल टू और अराउंड एन एरिया। नेक्स्ट है मैडन ब्योगेस, एम ए आई डी ई एन वी ओ वाई ए जी ई, मीन्स होता है द फर्स्ट जर्नी मेड बाय अ शिप। ओके, मैडन ब्योगेस किसे कहा जाता है, जब पहली यात्रा होती है शिप पर। फ्लूटर, एफ एल यू डबल टी ई आर, फ्लूटर मीन्स टू मूव लाइटली एंड क्विकली। नेक्स्ट है मेस्ट, एम ए एस टी, मेस्ट मीन्स अटैल अटॉल पोल ऑन अ बोट और शिप दैट सपोर्ट द सेल्स। मेस्ट किसे कहा जाता है, जो जहाज के ऊपर एक पोल टाइप का बहुत ही ऊंचा बना रहता है, जिसमें महाराजा लोग, राजा लोग जो है ऊपर एक फ्लैग भी लगा देते हैं अपने राज्य का, जो सपोर्ट करता है, ओके, उस नाव को। नेक्स्ट है इनोरमस, मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा। Exhaust means expand the whole of. Next है sentinels, S E N T I N E L S. Sentinels means soldiers whose job is to guard something. Okay, जहाँ वे job करते हैं soldiers की। Next है embark, E M B A R K. Embark means to get into a skip. Okay, students, so योर होमवर्क, आप ये जो सम डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, आप इसे अच्छे से इनकी मीनिंग लर्न करेंगे और इनके अर्थ को भी लर्न करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम टिक द करेक्ट ऑप्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।